हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एप अवेकनिंग। एप अवेकनिंग में आपका फिर से स्वागत है। सो आज का टॉपिक रहेगा ब्रीदिंग। वेक अप, उठ जाओ। रेस्पिरेशन, प्राण, स्पिरिट। स्पिरिट वैसे तो एक लैटिन स्पिरिटस वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रीद। सो अपने लाइफ फोर्स, बेसिकली ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। बट क्या हम ब्रीदिंग अच्छे से कर रहे हैं? यूजुअली देखा गया है मैक्सिमम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं या फिर शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, जबकि हमें करना चाहिए बेली ब्रीदिंग। एनीवे, एंड ऑफ द वीडियो में आपको जैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो अपना ब्रीदिंग टेक्निक और इम्प्रूव कर सकते हो उससे, वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग एग्जैक्टली है क्या? सो ब्रीदिंग का मतलब होता है आप ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर रहे हो, एंड अपने खाने से हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, एंड उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है। सो ये लाइफ फोर्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये इन्वॉलेंट्री एक्शन है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। सो नॉर्मल सेडेंटरी एडल्ट रेस्पिरेशन कितनी बार करता है, ब्रीदिंग कितनी बार करता है एक मिनट में? वो होता है 12 से 16 टाइम, ठीक है। सो बेसिकली हम हर एक मिनट में 4 से 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। यही चीज एक्सरसाइज के टाइम पे करीबन 15 से 25 टाइम बढ़ जाता है। सो कीपिंग इन माइंड ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए, एक एरोबिक क्रीचर ऑक्सीजन यूज कर रहा है अपने लाइफ में एनर्जी बनाने के लिए, एंड डे टू डे एक्टिविटी के लिए एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए। सो ब्रीदिंग ऐसा होता कैसे? तो हम नोज के थ्रू इनहेल करते हैं, वही एयर हमारे नोज से अपने फैरिंग्स में जाते हैं, फैरिंग्स से हमारे लैरिंग्स में जाते हैं, लैरिंग्स से थ्रू ट्रेकिया, एंड देन ऑल टुगेदर हमारे लंग्स में फैलते हैं। सो बेसिकली हमारा लंग्स करीबन एक एडल्ट लंग्स कुछ 1 किलो का वजन होता है, एंड वो ऑक्सीजन कुछ होल्ड कर सकता है, उसका वॉल्यूम है कुछ 4 से 6 लीटर। ब्रीदिंग जो प्रोसेस है ऑल टुगेदर एक प्रेशर से जनरेट होता है, जो बाहर का प्रेशर, अगर यूजुअली प्रेशर फ्लो होता है कुछ हाई टू लो प्रेशर के थ्रू, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रेशर बिल्डअप हुई है वो बाहर के प्रेशर से कम है, तब हम ब्रीदिंग करते हैं। सो ब्रीदिंग करने के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा रहता है, तो ब्रीद आउट हम तब करते हैं। ये प्रेशर चेंज की वजह से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो हम इनहेल करते हैं वो कोल्ड एयर यूजुअली रहता है, एंड जब ब्रीद आउट करते हैं वो यूजुअली हॉट एयर रहता है। सो ये हॉट एयर कोल्ड एयर का रिलेशन क्या है? जो आप ब्रीद इन करते हैं बेसिकली हम होता क्या है, हमारे लैरिंग्स एंड फैरिंग्स का यही फंक्शन रहता है कि वो एयर को हॉट करे, ह्यूमिड करे, बॉडी के अकॉर्डिंग वो वार्म करे, ठीक है, एंड देन वही डायरेक्टली हम हमारे लैरिंग्स में जाते हैं। लैरिंग्स के थ्रू अपने पूरे चेस्ट में हमारे लंग्स में फैलते हैं, एंड लास्ट यूनिट जो है हमारे लंग्स का वो है एल्वोलाई। एल्वोलाई एक बेरी लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही एल्वोलाई एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। जब भी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रिलीज होता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ट्रांसफर होता है, हमारे हार्ट में आता है, एंड देन ये हार्ट से हमारे लंग्स में आता है, एंड लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। सो एल्वोलाई है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लंग्स के, ठीक है। करीबन 300 मिलियन एल्वोलाई हमारे लंग्स में है ऑल टुगेदर, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर ये एल्वोलाई डेड हो गए, ये कभी रीजेनरेट नहीं हो सकते लीवर की तरह। स्मोकर्स बेसिकली कीप अवेयर, स्मोकिंग करते करते आप अपने एल्वोलाई को बर्न कर रहे हो, अपने एल्वोलाई को आप मार रहे हो, किल कर रहे हो, ये कभी जनरेट नहीं होने वाले। बेसिकली अगर आपका लंग्स कोई भी डिजीज के थ्रू अगर वो खराब हो गया, सो ऑल टुगेदर वो ट्रांसप्लांट हो सकता है बट वो कभी रीजेनरेट नहीं हो सकता। सो मतलब अगर आपके लंग्स खराब हो गए तो मतलब खराब हो गए टोटली, आपको नए लंग्स लेने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मोकर्स अभी से समझ जाओ, आप अपने एल्वोलाई को खराब कर रहे हो, किल कर रहे हो, उसका फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ऑक्सीजन को अंदर लेना। अगर यही चीज़ आपके बेसिक यूनिट आपके लाइफ में नहीं है तो बेसिकली समझ जाइए ऑटोमेटिकली आप एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, अपने बॉडी का मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए एक्सरसाइज के टाइम पे? तो यूजुअली लोग एक्सरसाइज के टाइम पे सांस को रोकते हैं एंड देन कोई एक्टिविटी करते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है। आप सांस को रोक रहे हो मतलब आप अपने हार्ट रेट को अल्टर कर रहे हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
सो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वहाँ पे आपका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल रहना चाहिए। एंड सबसे बेस्ट इंडिकेटर दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू, एक ट्रेनर, मैं खुद ये रिकमेंड करूँगा, आप जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तभी आप ब्रीद इन करें, एंड जब भी ग्रेविटी के अलोंग जा रहे हो तभी आप ब्रीद आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो जब आप उठा रहे हो तो ब्रीद इन होना चाहिए, सो बेसिकली अगर मैं डंबल प्रेस करूं जब मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूं, मतलब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, तो मतलब मैं तभी ब्रीद इन करूंगा। और जब भी मैं ग्रेविटी के अलोंग जा रही हूं या फिर ग्रेविटी के साथ जा रहा हूं तो भी मैं ब्रीद आउट करूंगा। आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, सो ये पैटर्न होना चाहिए थ्रू आउट आपके मूवमेंट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बेली ब्रीदिंग करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज बेली ब्रीदिंग? बेली ब्रीदिंग का मतलब होता है आप सांस अपने पेट में लोगे पहला। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना हाथ एक चेस्ट पे रखिए और एक अपना हाथ बेली पे रखिए, ठीक है। एंड आप ब्रीदिंग करिए, मेक श्योर कि आपका हाथ जो पेट पे है, बेली पे है, वो आगे पहले आए। सो ये पैटर्न होना चाहिए बेली ब्रीदिंग के लिए। एंड ये तरीके से आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करोगे। मेक श्योर आप टेस्ट कर सकते हो, ये बेसिकली टेस्ट है, आपको पता चलेगा कि आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हो या शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो। ये टेक्निक में आपको खाली एक मेक श्योर करना है कि आप बेली ब्रीदिंग के टाइम पे मेक श्योर करें कि अपना हाथ जो पेट पे है वो पहले आए, एंड ना कि जो हाथ चेस्ट पे है वो पहले आए। हमें बेली ब्रीदिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे लंग्स साइड बाय एक्सपांड नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज हमारा रिब केज उन्हें रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सो बेली ब्रीदिंग के टाइम पे हमारा डायफ्राम नीचे पुश होता है जिसकी वजह से ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है एयर को अंदर आने के लिए, एंड हमारे लंग्स उसके वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर पाते हैं। तो फैट्स बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, एंड ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऑक्सीजन अगर फुल पोटेंशियल में अपने प्रोवाइड कर रहे हो अपने बॉडी को, तो बेसिकली आप फैट बर्न कर रहे हो। फुल ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन हमें ब्लड में ट्रांसफर होती है, एंड वही चीज़ हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करती है, जैसे हमारे ब्रेन में जाती है, हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे जो वर्किंग मसल्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, एंड आप काफ़ी रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री फील करते हो यही ब्रीदिंग पैटर्न से ही सिर्फ। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भूलिए नहीं। अगर आपको सही में अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी वैलिड लगा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।